Hello friends, welcome back once again. And this session we will learn section 384 to 389 of extortion, where we will understand the punishment for extortion. In last lecture we had learned the extortion. हमने उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी. बाई लाइक वर्ड बाई वर्ड हमने उसको समझा था कि जिसके अंदर हमने ये बताया था कि whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to some other person and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion. अब इसमें तीन चार इलस्ट्रेशंस हैं. लेट्स गो थ्रू वेरी क्विकली थ्रू दीज इलस्ट्रेशंस एंड आफ्टर दैट इट विल अ बिट मेक यू मोर अंडरस्टैंड द एक्सटॉर्शन. और उसके बाद में हम इसकी जो पनिशमेंट्स हैं विल गो टू दो सेक्शंस. देखिए नंबर ए, इसमें ए ये है कि ए जो है ए ने जेड से ये कहा कि दोस्त मैं एक आपको बात बताई देता हूं कि आप मुझे जो है 10,000 रुपए दीजिए और अगर आपने 10,000 रुपए नहीं दिए तो मैं आपके खिलाफ जो है वो एक न्यूज़पेपर में डिफेमेटरी आपकी इज्जत खराब करने वाला एक बयान छापूंगा. मसलन कोई किसी सरकारी अफसर से कह साहब ये मैं आपके खिलाफ छाप दूंगा कि आपने रिश्वत की है, अगर कोई पत्रकार है. तो हियर ए कमिट्स द एक्सटॉर्शन. ए ने जो है उसने पैसे जो है उसने काम कर दिया तो उसने एक्सटॉर्शन कर लिया. दूसरी इलस्ट्रेशन में अगर हम जाएं तो ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप्स जेड चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. इस ए ने जेड से कहा कि ये जो तुम्हारा बच्चा है छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है ये 4 साल का 5 साल का अगर आपने मुझे जो है 1,00,000 रुपया नहीं दिया तो मैं आपके बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखूंगा. मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, मैं इसको जो है बंद कर लूंगा. जब तक आप नहीं आएंगे या पैसा नहीं देंगे मैं आपको बच्चा नहीं दूंगा. तो हियर ए ने जेड के अगेंस्ट जो है वो एक्सटॉर्शन किया है. जेड विल साइन एंड डिलीवर टू ए और वो जो है किसी दूसरे को भेज रहा है, कुछ भी कर सकता है लाइक बट ही कमिटेड एक्सटॉर्शन. सी में अगर हम आए तो ये कहता है ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लब मैन टू प्लो जेड्स फील्ड. ए ने क्लब मैन कहते हैं लाठी डंडे वाले लोग जो होते हैं, लठैत जी ने कहते हैं देसी जबान के अंदर, उनको भेज दिया जेड के खेत के अंदर और उससे कहा कि भाई इसको जो है रोक दो. उससे कहा कि भाई जब तक जो है हमें तुम 50,000 रुपए नहीं दोगे हम तुम्हें खेती नहीं करने देंगे. तो यहां पर ए ने जेड के अगेंस्ट जो है वो एक्सटॉर्शन किया. नेक्स्ट रिलैक्सेशन इज ए बाई पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू साइन और एफिक्स His seal to a blank paper and deliver it to Zed. उसने कहा कि बॉस अगर आपने मुझे एक ब्लैंक पेपर पे अपना साइन नहीं किया और ये मुझ तक नहीं पहुंचाया तो मैं अपने आदमी भेज के आपको ग्रीवियसली हर्ट कर दूंगा. आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, आपका सर फोड़ दिया जाएगा. इस तरह की बातें ए ने जेड को कही. तो यहां पर ए ने जेड के साथ में एक्सटॉर्शन कमिट किया है. तो दोस्तों ये जो मोटे मोटे एग्जांपल्स हैं ये इसलिए बताए गए हैं कि ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी जब हम एक्सटॉर्शन को पढ़ रहे थे कि वो इंजरी की बात कर रहा था. तो कैसी कैसी इंजरी की बात कर रहा था, टू दैट पर्सन, टू सम अदर पर्सन, टू हिज प्रॉपर्टी और हिज रेपुटेशन और टू एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात की थी हमने. कोई भी ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात की थी which can be created into such a document which can be created or converted into a valuable security जहां से कोई
उसका लीगल राइट क्रिएट हो रहा था, रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, एक्सटेंड हो रहा था या एक्सटिंक्ट हो रहा था, तो ये सारी चीजें जो हो रही थी वो एक्सटॉर्शन के अंदर हो रही थी। अब बात यह है कि अगर एक्सटॉर्शन कर लिया और बंदा पकड़ा गया तो क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों हमारा है सेक्शन 384, ये कहता है पनिशमेंट की बात, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। और एक बहुत सिंपल सी बात कहता है, हु एवर कमिट्स एक्सटॉर्शन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ। अगर किसी ने एक्सटॉर्शन को कमिट कर लिया है तो उसका 3 साल का उसको कारावास मिलेगा प्लस फाइन और फाइन सॉरी और फाइन और बोथ, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। नंबर वन, अगर किसी ने एक्सटॉर्शन कर लिया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा मे बी ऑफ जो डिस्क्रिप्शन है उतना एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज और विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years, जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, फाइन भी हो सकता है और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ये सेक्शन 384 जो है एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट की बात करता है। नाउ सेक्शन 385 की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि ये तो एक्सटॉर्शन अगर उसने कर लिया तब है, लेकिन अगर ये एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहा है putting any person under threat in order to commit extortion, इसकी जो भी threat है इसने अभी extortion किया नहीं है, इसने extortion किया नहीं है और वो उसको करने की कोशिश कर रहा है, तो सेक्शन 385 जो है वो ये कहता है, हुएवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट एनी पर्सन इन फियर और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, जो हमने वहां पे बात भी की थी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years विद फाइन और बोथ। इस केस में देखिये, चूंकि यहां पर इसने एक्सटॉर्शन कर लिया था, क्राइम हो चुका था, तो यहां पर 3 साल की सजा थी, लेकिन यहां पर वो क्राइम कमिट नहीं कर पाया है और कोशिश कर रहा है और कोशिश के दौरान ही वो पकड़ा जाता है, तो इसलिए उसकी 2 साल की सजा उसको मिलेगी या फाइन मिलेगा और या दोनों चीजें मिल सकती हैं। ये सेक्शन जो है 385 की बात हो रही है। अब सेक्शन 386, सेक्शन 386 कह रहा है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, वहां पे इंजरी की बात थी सिर्फ, और यहां पे एक्सटॉर्शन वो कमिट कर चुका है, वहां पे पहले एक्सटॉर्शन की उसने इंजरी की बात करके, तो चूंकि बात सिर्फ इंजरी की थी तो 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन यहां पर क्या बात हो गई है कि फियर ऑफ डेथ की बात हो रही है, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो वो चूंकि इंजरी की बात थी तो ये मान लेते हैं कि रेपुटेशन की इंजरी थी या प्रॉपर्टी की इंजरी की बात थी, बट एज सून एज इट कम्स टू द फियर ऑफ डेथ और बॉडीली इंजरी और ग्रीवियस हर्ट, तो यहां पे उसका जो अपराध है उसकी जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध है लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कर देना, उसको मार देना या
उसको ये कह देना कि हम भाई तुझे मार देंगे और उसके थ्रू एक्सटेंशन करना एक्सटॉर्शन करना, तो ये जो है उसके अपराध को बढ़ा देता है। और यहां पे हूएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन शैल बी पनिश्ड। देखें शैल बी पनिश्ड की बात हो रही है, गुंजाइश नहीं है, छूट कोई नहीं मिलेगी, बचाओ कुछ नहीं होगा। विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसमें जो मामला आएगा कि वो 10 साल का उसको कारावास मिलेगा और फाइन। फर्क ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि यहां पर जो एक्सटॉर्शन हुआ था 383 में जो एक्सटॉर्शन हुआ था उसका पनिशमेंट सिर्फ 3 साल दिया गया था, फाइन उसका ऑप्शनल में रखा गया था कि फाइन भी लग सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन 386 में और 383 में फर्क यह है कि यहां पर जो एक्सटॉर्शन हो रहा है उसमें इंजरी जो है वो इंजरी की जो नेचर है वो बदल गई है, वो इंजरी अब जो है फियर टू डेथ में चेंज हो गई है, वो इंजरी ग्रेवियस हर्ट के अंदर चेंज हुई है, ये करते हुए एक्सटॉर्शन किया गया है। चूंकि उसका नेचर ऑफ क्राइम जो है वो भयानक हो गया है, गंभीर हो गया है, तो इसलिए उसके अपराध की सजा जो है वो भी गंभीर हो गई है और उसको 10 साल और बढ़ा के साथ में फाइन, ये दोनों चीजें जो हैं इसके अंदर 386 के अंदर आ गई हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 387। अब यहां पे फिर से दोबारा से फेयर की बात आ रही है, यहां से फिर एक्सटॉर्शन को की प्रयास की बात आ रही है। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यहां पर फिर हम बात कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। वहां पे 386 में एक्सटॉर्शन हो चुका था, क्राइम हो चुका था, कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहां पे क्या बात कर रहा है इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन कैसे कर रहा है ये, बाय फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यहां पे ये प्रयास कर रहा है और इस प्रयास के दौरान ही ये जो कोशिश कर रहा है, इस कोशिश के दौरान ही इसका भांडा फूट जाता है या पुलिस को खबर हो जाती है या जिसके अगेंस्ट ये क्राइम कर रहा है वो किसी तरह वहां तक पहुंचा देता है बात को, तो ये इसका मामला खत्म हो गया। तो ईशा पर ये अभी क्राइम कर नहीं पाया, तो अब जाहिर सी बात है चूंकि इसका क्राइम अभी हुआ नहीं है तो इसकी सजा जो है इसके मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये कह रहा है whoever in order to commit committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable for fine। तो यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं कि 7 साल की सजा मिलेगी इसको और फाइन भी मिलेगा, चूंकि यहां पे ये एक्सटॉर्शन की जो कोशिश कर रहा था ये एक्सटॉर्शन को कर नहीं पाया, लेकिन इसने कोशिश वही की थी कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा या मैं तुझे ग्रीवियसली हर्ट कर दूंगा किसी भी तरह से, तो उस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए इसकी सजा जो है यहां पर कम हो गई। इसके बाद में सेक्शन 388 की हम बात करेंगे। 388 जो है एक्सटॉर्शन बाई थ्रेड ऑफ एक्यूजेशन ऑफ, अच्छा यहां पर मेन क्या चीज है, ये कह रहा है कि एक्यूजेशन ऑफ एनी ऑफेंस, पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
सेक्शन 388 में वो फिर से एक्सटॉर्शन यहां पे भी कमिट हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 383 में एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है, उसके बाद 386 में भी एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है, और उसके बाद 388 में भी एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है। ये तीन सेक्शन जो है 383, 386 और 388, इसमें एक्ट जो है वो पूरा हो रहा है, और 384 में पनिशमेंट है, लेकिन 385 और 387 और 389 में जो बात हो रही है वो हो रही है इन ऑर्डर टू कमिट, इसमें एक्सटॉर्शन पूरा नहीं हो रहा है। तो इसको दो हिस्सों में आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे कि 383 में एक्सटॉर्शन, 384 में उसकी पनिशमेंट, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद 385 में एक्सटॉर्शन इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन की बात होगी, फिर 386 में फियर ऑफ डेथ दे के एक्सटॉर्शन को वो करने की कोशिश एक्सटॉर्शन कर लेगा, 85 में वो इन ऑर्डर टू कमिट है और 86 में फिर एक्सटॉर्शन कर लेगा फियर ऑफ डेथ में, 87 में वो एक्सटॉर्शन कर नहीं पाएगा लेकिन फियर ऑफ डेथ होगा और ग्रीवियस हर्ट का कोशिश होगा और वो पकड़ा जाता है। 388 में वो उसको फिर से एक बार कह रहा है एक्यूजेशन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो ये कह रहा है मैं तुझे किसी ऐसे केस में फंसा दूंगा, मैं तुझे किसी ऐसे मामले में फंसा दूंगा, तेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा दूंगा जिसके अंदर तुझे जो है सजाए मौत हो जाएगी, या तू जो है सारी जिंदगी जेल में फिरता रहेगा, सड़ता रहेगा वहां पे। तो अगर ऐसा वो करके इस अपराध को कर लेता है, वो अंजाम दे देता है, तो यहां पर उसका जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट है अप टू विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स, 10 साल का इसको कारावास मिलेगा, एंड शैल बी लाइबल टू फाइन, और इसमें फाइन भी मिलेगा। और देखिए एक बड़ी मजे की बात यह है कि अगर ये ऑफेंस जो है इसने अंडर सेक्शन 377 कर दिया था, अननेचुरल ऑफेंस की बात है ये हालांकि अब आज के परिप्रेक्ष्य में 377 डजंट स्टैंड, क्योंकि इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसको खत्म कर दिया था, तो इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं, अब से 2 महीने 4 महीने पहले जब ये पिछले साल की बात है, 377 जब तक था, जब तक अगर उसने ये वाला यहां पे इसको किया था तो मे बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इसके अंदर जो है ये वाला अपराध किया था तो उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये फर्क है, इसको आजीवन कारावास मिल रहा था। अगर वो 377 के तहत कोई ऑफेंस, अननेचुरल सेक्स का जो ऑफेंस था, सेम सेक्स वाला जो ऑफेंस था, अगर वो कर रहा था उसके थ्रू एक्सटॉर्शन हो रही थी तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल रही थी, अदरवाइज अगर उसने ऐसा किया था तो उसको 10 साल की थी, जहां पे एक्यूजेशन उसने उसको कहा था फेयर ऑफ डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का उसने कहा था, और ऐसा कोई काम जिससे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो रही थी उसको, या उसको पनिशेबल बाई डेथ था और उसने वो एक्सटॉर्शन किया था तो ये हो रहा था। इसके बाद में दोस्तों लास्ट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 389, और इसमें 389 में फिर हम वही बात करेंगे, सेक्शन 389 एंड यहां पर फिर से वही बात है, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, कोशिश कर रहा है एक्सटॉर्शन की, किस तरह कोशिश कर रहा है, बाय एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर उसने इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन करने की प्रक्रिया के दौरान जो कि इलीगल है, उसने कहा कि मैं तुझे ऐसे किसी
मामले में फंसा दूंगा या कोई ऐसा अपराध तेरे ऊपर लग जाएगा जिससे जो पनिशेबल भाई डेथ होगा, तुझे डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, सजाए मौत मिल जाएगी, या तो सारी जिंदगी जेल में रहेगा इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, और वो खुल गई बात और वो पकड़ा गया। तो यहां पे भी इसको जो सजा है वो 10 साल की सजा मैक्सिमम हो जाएगी। और टेन ईयर्स बढ़ सकती है। शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ इदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन, प्लस फाइन भी इसको लग जाएगा। और फिर वो 377 वाला जो था वो मे बी पनिश फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। और अगर वो जो 377 का जो अब अपराध नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है, अगर उसने ये काम करा तो उसके तहत जो है उसको जो है आजीवन कारावास मिलेगा। दोस्तों अब इसमें एक और मजेदार मैं आपको बात बताऊं, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, छोटा 10 नंबर में आएगा ये गालिबन, अब पूरा तो नहीं आता, कि देखिए एक्सटॉर्शन और आपका थेफ्ट जो है इसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट, और दूसरी तरह से ये कह सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट, इन दोनों के बीच में जो है दोनों में अंतर बताएं। तो देखिए हम बहुत क्विकली आई विल गो थ्रू थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ये नंबर वन है सेक्शन आपका 378 में थेफ्ट है, और ये सेक्शन 383 में जो है वो एक्सटॉर्शन आता है। इंटेंशन दोनों में है, हमने बात की थी कि क्राइम जो है अनइंटेंशनल नहीं होता, इंटेंशनली ही होता है। सबसे पहले ये सेक्शंस दोनों के अलग अलग हैं, ये 378 में है, ये 383 में है। दूसरी इसमें डिफरेंस है, थेफ्ट के अंदर हमने बात की थी मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पे जो प्रॉपर्टी थी वो मूवेबल होनी चाहिए थी, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी की बात कर रही थी, कोई भी चीज जमीन की बात नहीं थी कि जमीन नहीं चुराई जा सकती, मकान नहीं चुराया जा सकता, एनीथिंग विच इज एम्बेडेड टू अर्थ वो नहीं चुराई जा सकती, विच इज जमीन में गड़ी हुई कोई चीज है उसको नहीं चुराया जा सकता। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की थी, और यहां पर बात है प्रॉपर्टी की, एनी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। एनी प्रॉपर्टी मीन्स इट कैन बी मूवेबल और इट कैन बी इमूवेबल, दोनों में से किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो है वो हो सकती है। तीसरी चीज है रहा था ये बिना परमिशन के ले रहा था, चोरी से ले रहा था, छुप के कर रहा था। अब ऐसा तो नहीं होता ना आदमी, क्या भाई मैं आपके यहां चोरी करने आ रहा हूं, मैं मुझे चोरी करने दीजिए प्लीज, ऐसा नहीं था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पर ये हिमसेल्फ डिलीवरिंग द थिंग प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट, ये जो है खुद दे रहा है बेचारा, जाके खुद कह रहा है कि भाई साहब माफ कर दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं आपको जो चाहिए वो देने को तैयार हूं। तो दोनों में फर्क क्या है कि यहां पर ये विदाउट कंसेंट थी, थेफ्ट जो थी उसको पता ही नहीं था जिसके घर में चोरी हो रही थी, यहां पे वो जानता है कि वो लूट रहा है, वो जानता है कि उसका नुकसान हो रहा है, वो जानता है कि उसकी परेशानी इससे बढ़ जाएगी, लेकिन वो खुद जाके उसकी डिलीवरी दे रहा है उस बंदे को जो एक्सटॉर्शन कर रहा है, या उस बंदे को जिससे उसने कहा है कि इसको डिलीवरी इसकी दे दो, ये भी डिफरेंस है। ये विदाउट फोर्स, यहां पर फोर्स कोई नहीं है, और ये यहां पर फोर्स भी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये कह रहा है कि आई विल हर्ट यू ग्रीवियसली, आई विल किल यू, तो जब जब वो मारेगा या किल करेगा तो इट मीन्स वहां पर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। एक मजेदार बात आपको बताऊं कि आपको अगर याद होगा तो हमने यहां पे पढ़ा था कि एज सून एज समबडी विल यूज फोर्स इन थेफ्ट
इट विल कन्वर्ट इनटू रॉबरी, 390 सेक्शन में पहुंच जाएगा ये, एकदम से ये जो है रॉबरी के अंदर पहुंच जाएगा, लूट के अंदर पहुंच जाएगा। और यहां पर जो है वो फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है एक्सटॉर्शन में, जो कि रॉबरी में नहीं हो रहा था। यहां पे ये मूव द प्रॉपर्टी, इसमें कौन कर रहा था, ये मूव द प्रॉपर्टी जो था ये ऑफेंडर था, जो ऑफेंस कर रहा था थीफ जो था वो प्रॉपर्टी को मूव कर रहा था। और यहां पे जो मूवर है वो हिमसेल्फ, जो विक्टिम है, द विक्टिम इज द मूवर ऑफ द प्रॉपर्टी और द डॉक्यूमेंट और द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, व्हाट एवर इट मे बी, जो भी चीज है यहां पर जो है वो खुद मूव कर रहा है। इसको फिर समझ लें कि यहां पर प्रॉपर्टी को चोर ले जा रहा था, लेकिन यहां पर जो विक्टिम है वो मजबूरी में, दबाव में, डर में, दहशत में खुद अपने आप जो है उस चीज को दे के आ रहा है। और देखें ये अगर फर्क क्या है, एक और बड़ा फर्क है कि अगर चोरी नहीं हो पाई किसी वजह से, ये अटेम्प्ट इसका फेल हो गया, तो इट विल गो टू सेक्शन 511। 511 सेक्शन जो है, जो ए उसके अंदर एक ही सेक्शन है, बस चैप्टर 23 है, तो उसमें एक ही सेक्शन है जिसके अंदर है सेक्शन है कि अपराध करने का प्रयास। तो उस घटना को घटाने का प्रयास कैसे भी कह सकते हैं, तो ये उसके अंदर चला जाएगा क्योंकि उसने किया वो प्रयास लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, और एक्सटॉर्शन का जो अगर अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन है, हमने बताया था आपको कि 385 सेक्शन में जाएगा, इन ऑर्डर टू 387 में जाएगा, इन ऑर्डर टू 389 में जाएगा, इन ऑर्डर टू, ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। मैंने आपको बताया था कि 386 और 388, ये तीन सेक्शन जो हैं, इसको आप ऐसे याद कर लें, बहुत आसान, मजा आएगा आपको। 383 में एक्सटॉर्शन हो गया था, सिंपल इंजरी का डर था। 386 में भी एक्सटॉर्शन हुआ, लेकिन वहां पे जो डर था वो बॉडीली इंजरी का डर था, ग्रीवियस हर्ट की बात हो रही थी, डेथ की बात हो रही थी। और फिर उसके बाद में 388 के अंदर जो आते आते बात हुई थी, वो हम वहां पे ये बात कर रहे थे कि वो जो है ना उसके साथ में अननेचुरल ऑफेंस की बात भी हुई थी। तो और यहां पर 385, 387, 389 के अंदर जो है इन ऑर्डर टू ग्रीवियसली हर्ट और फियर ऑफ डेथ, और फिर उसके बाद में इसके अंदर जो है नेक्स्ट आ गया था कि सॉरी 387 में जो ग्रीवियस हर्ट की बात थी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, और 399 में भी जो है इन ऑर्डर टू कमिट पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजिशन की बात थी, जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि हम आपके ऊपर किसी तरह का इल्जाम लगा देंगे और आपको हम फंसा देंगे और आपको हम परेशान कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने एक्सटॉर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है विल गो टू रॉबरी, या देखते हैं अभी। बहरहाल एनीवे आई होप दैट आप ये जो कुछ भी हमारा एक सेशन रहा है, हमने एक्सटॉर्शन को दो हिस्सों में पढ़ा है, यू ऑल स्टूडेंट वुड हैव एंजॉयड इट, और यू विल डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ऑन दिस वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग। जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है बहुत सिंपली पहले 383 लिखें, एक्सटॉर्शन लिखें, जैसे आपको हमने वर्ड बाय वर्ड समझाया वैसे एक्सटॉर्शन को लिखें, 384 में उसका पनिशमेंट लिख दें, और फिर उसके बाद में 85 में आ जाएं, 385 में जो है फिर वो एक्सटॉर्शन को कमिट कर रहा है, 386 में एक्सटॉर्शन कमिट करेगा, 388 में एक्सटॉर्शन कमिट करेगा, और 385 और 387 और 389 के अंदर इन ऑर्डर टू कमिट, वो इस तरीके से आप इसको लिखते चले जाएं। जो भी इसके अंदर वर्ड आए हैं, पर्सन आया, पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 11 में लिख दें, मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 में लिख दें, डिसऑनेस्टी की सेक्शन 30 में लिख दें, उसके बाद में आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आई है वो 29 में लिख दें, आप वो सेक्शन के साथ साथ एक एक लिखते चले जाएं और यू विल गेट गुड मार्क्स। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरी फिर आपसे बहुत 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 गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको आगे बढ़ाते रहें, लाइक करें, ताकि आपके दोस्तों जैसे बहुत सारे दोस्त हमारे हो जाएं और ये जो ज्ञान हमारे पास है ये औरों तक पहुंचता रहे। थैंक यू।